होगा उसी सर्किल का हो, ये तो पहला कंडीशन बेहतर है। अगर वो आपको वहाँ का नहीं तो ये पूरा सुपौल में कहीं का भी आदमी हो सकता है। पंचायत चुनाव में आपके पूरे पंचायत का यानी उस पंचायत का कहीं का व्यक्ति, उस वार्ड का और वो वहाँ जो मतदान केंद्र होगा वहाँ का पोलिंग एजेंट होगा। ये हो गई बात पोलिंग एजेंट क्लियर। आगे आइए मॉक पोल। कितना देर पहले आप मॉक पोल करवाइएगा इलेक्शन से? कहीं से आवाज आई 1.5 घंटा पहले और कहीं से 1 घंटा पहले और कहीं से आप लोग 1.5 घंटा हुआ पीछे से मैडम 1.5 घंटा पहले और पीछे आप 1 घंटा। बिल्कुल सही, सबका सही जवाब 1.5 घंटा पहले, 90 मिनट पहले। मॉक पोल पहले कितना देर पहले करवाएंगे? 90 मिनट पहले। मॉक पोल में कितना मत गिरवाएंगे? पचास, बीस, पाँच और पीछे से मैडम सोलह को जितना कैंडिडेट देगा उतना सब गिरा सकते हैं, सब पे नहीं एक डालना। पचास मॉक पोल हम 50 करवाएंगे। कितना करवाएंगे? 50 कराएंगे, 90 मिनट पहले कराएंगे। लेकिन अगर वो पोलिंग एजेंट नहीं रहा 90 मिनट तो कितना देर इंतजार करेंगे? 2 घंटा। चलिए सुन लीजिएगा, 15 मिनट आप इंतजार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट तक अगर नहीं आया तो मैक्रो ऑब्जर्वर होगा। अगर मैक्रो ऑब्जर्वर भी नहीं है तो हम सब मतदान कर्मी मिल करके सब कुछ देख करके मॉक पोल कर लेंगे, 50 पोल करेंगे नोटा सहित। जितने कैंडिडेट, अगर 9 कैंडिडेट एक नोटा है तो 10 कैंडिडेट, तो इस कैंडिडेट को कितना वोट दीजिएगा सर? 5 देंगे, 50 कर लेंगे। करने के बाद अब जब हम मॉक पोल कर लिए तो आप मशीन में कहाँ आ गया आपका वो पोल? कहाँ आ गया? सीयू में भी है और वीवीपैट में भी पर्ची है। लेकिन जिस टाइम आप लाइन को ऑन कीजिएगा, लाइट दीजिएगा, तो उसमें से खटाखट खटाखट 7 गिरेगा। कितना गिरेगा? आप पोल आप कितना कराए हैं? तो 50 पहले से उसमें कितना था? तो मिलके कितना हो गया? 57। उस 57 को उसमें से निकाल लेना है, निकाल करके उसका बंडल बना लेना है, ब्लैक लिफाफे में डाल देना है, रबर लगा लेना है, पिंक पेपर सील से सील करके और पीओ साहब उसको रख देंगे। ये करने के बाद उसको आप सील कर दीजिएगा। ये देखो आप अपने वहां जो है बड़े भाई जी, वो हो जाएगा सील, वो तो उसमें से वोट निकल गया। अब बचा इसमें, किसमें बचा है? इसमें। इसमें क्या करेंगे? CRC। क्या करेंगे? CRC। क्या होता है CRC? सी से पहला सी से होता है क्लोज। क्या होता है? क्लोज। दूसरा आर से हुआ रिजल्ट। आर से क्या हो गया? अभी आप कितना पोल करवाई? 50 कराए, तो 50 कराए तो अब जांच करेगा ना आपका वो अभिकर्ता कि मेरा कितना पोल, इनका कितना पोल, इनका कितना पोल। तो जब हम रिजल्ट बटन को दबाएंगे, इसमें एक होता है रिजल्ट बटन, रिजल्ट को जब दबाएंगे तो किस कैंडिडेट को कितना कितना पोल आया है वो पता चल जाएगा। और रिजल्ट के बाद लास्ट में क्या करेंगे? क्या करेंगे मैडम लास्ट में? क्लियर। क्लियर यानी सबको कर देंगे साफ। क्लियर। अब इसमें कोई भी वोट नहीं है।
क्लियर कर देने के बाद ये देखिए ये है ग्रीन पेपर सील, क्या है ये, इसमें होता है ए और ये होता है बी। आप क्या करेंगे जब सीआरसी पूरा कर दिए, रिजल्ट भी हो गया क्लियर भी हो गया, उसके बाद इसको आप लगा लीजिएगा। पहले इसमें एक सील होगा वो लगा लेना है, लगाने के बाद इसको यहाँ लगा दीजिएगा। इसको इसमें जो है पहले ही से वो गोंद लगा हुआ रहता है, आप क्या करेंगे नीचे में बी ऊपर में ए रखेंगे, चिपका देंगे, यहाँ पे एड्रेस टैग लगा देंगे, एक आपको टैग होता है सील वो लगा दीजिएगा, ये पैक हो गया, ये अब आपसे खुलेगा नहीं आना खोलना है। इसको करने के बाद फिर हम क्या करेंगे ये लगा देंगे, लगाने के बाद अब यहाँ भी सील है, देखिए यहाँ इसमें एड्रेस टैग लग के ये भी हो जाएगा सील। जब मतदान होगा तो बस आपका दो काम होगा, एक काम ये होगा हर दो दो घंटे पे, हर दो दो घंटे पे आपसे पूछेगा पीओ साहब कि कितना मतदान हो गया, तो कौन से बटन को मैडम दबाएंगे, रिजल्ट। इसमें देखिए लिखा हुआ है एक का लिखा, एक पे लिखा हुआ है वैलिड और एक पे लिखा हुआ है टोटल, टोटल तो किस बटन को दबाएंगे, टोटल वैलिड को नहीं, वैलिड को जो वैलिड इशू करने का मतलब हो जाएगा वोट गिराने, टोटल दबाएंगे कितने कितने बार दीजिएगा, कितने कितने देर पे टोटल, कितने कितने देर पे, तो ये जानकारी आपको हो गई। इसके अलावा और भी चीज हम लोग जब मशीन पे आएंगे तब आप लोगों को दिया जा रहा है, आपको क्या करना, पहले सारा स्विच ऑफ है, देखिए यहाँ से ये जो है देखिए ये कर है आपका ऑफ है, अभी आपको बीबीसी कनेक्ट कर लेनी है, बीबीसी को कनेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अभी जो आपका ये है हॉरिजॉन्टल मोड में है वो अभी भी पैड, उसमें पीछे में देखिएगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करने वाला है, सब वायर को कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट करने के बाद वीवीपैट को वर्टिकल मोड में दे देंगे, फिर इसका लाइट ऑन करेंगे, लाइट ऑन करने के बाद कुछ देर हम इंतजार करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद टोटल बटन दबाएंगे, टोटल बटन में जीरो रहा तो इसका मतलब हमारा मशीन ओके है, अदरवाइज सीआरसी करेंगे फिर वोटिंग करेंगे। जितने लोग हैं सब लोगों को वोटिंग करना है, अभी सबको कनेक्शन करने आना चाहिए, ये दो काम, कनेक्शन करने आना चाहिए, वोटिंग करने आना चाहिए, एक डब्बा खोलने आना चाहिए, तो डब्बा तो खुला हुआ है फिर भी दीजिएगा एक बार, नहीं रहने दीजिए। चलिए सर आइए यहाँ एक दे देते हैं, आप लोग ऐसे घूम जाइए, आप इधर से आ जाइए और इसका करिए, ये लीजिए आप लोग सर इधर आ जाइए, ये हो गया।